जय हिंद दोस्तों। झारखंड चौकीदार भर्ती 2024 दोस्तों, इस भर्ती को स्थगित कर दिया गया है, जिसका ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया है। दोस्तों, अगर आप 2024 में चौकीदार भर्ती के लिए आवेदन किए थे तो इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए कि भर्ती अब कब होगा और नोटिस में क्या-क्या दिया गया है, किस कारण से इस भर्ती को रद्द किया गया है। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी जानकारी को आपको बताते हैं। इससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। दोस्तों देखिए, यह ऑफिशियल साइट है जो गिरिडीह जिले के, और दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप ऑफिशियल साइट पर आइएगा तो आपको एक यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जिला स्तर नोटिस का, क्लिक करना है। उसके बाद भर्ती वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तमाम जो भी भर्ती से संबंधित नोटिस या आपको नोटिफिकेशन विज्ञापन आता है तमाम यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग में एक भर्ती का आपको नोटिफिकेशन आया है तो यहाँ पर बताया गया। इसी प्रकार से 19 सितंबर को जारी हुआ था चौकीदार भर्ती को लेकर, तो हम सोचे कि आपको जानकारी दे दें कि भर्ती अभी स्थगित कर दिया गया है कुछ कारणवश। तो चलिए इसे डाउनलोड करते हैं और सभी जानकारी को आपको बताते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आ गया जो कि गिरिडीह जिला अंतर्गत चौकीदार संवर्ग के सीधी भर्ती नियुक्ति परीक्षा 2024, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। दोस्तों इसमें आपको हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में केस किया गया था, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं विकास दास एवं अन्य बना राज्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं 11 सितंबर का आदेश पारित करते हुए अगली सुनवाई की तिथि तक यह स्टे लगा दिया गया है, यानी आपको स्थगित कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं नीचे 0/2023 चौकीदार संभाग नियुक्ति परीक्षा 2023 के तत्काल प्रभाव के अगले आदेश तक दोस्तों स्थगित किया जाता है, यानी दोस्तों यह भर्ती आपको अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। जैसे ही दोस्तों नोटिस आएगा आपको भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आपको उच्च न्यायालय द्वारा यानी हाई कोर्ट द्वारा यहाँ पर स्टे लगाया दिया गया है, यानी रोक दिया गया है, तो यह भर्ती अभी दोस्तों स्थगित किया जा रहा है। तो दोस्तों सोचे कि यह वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दें कि यह अभी भर्ती स्थगित यानी पेंडिंग में रखा गया है, तो इस प्रकार के यह नोटिस जारी किया गया। दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।